रतलाम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता इसमें शामिल हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अब मैदान में उतर चुकी है। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी शामिल हुए। इस दौरान बंसल न्यूज पर विक्रांत भूरिया ने अपनी जीत का दावा किया है और उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। आज मध्य प्रदेश के युवा अध्यक्ष विक्रांत भूरिया हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव में वो किस तरह से गर्म जोशी के साथ में इस बार मैदान में उतर रहे हैं और कांग्रेस को कितना विजयी बनाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे। चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और अब जो है कितनी चुनौतियां मान रहे हैं और किस तरह से इस बार चुनावी मैदान में और किन वादों और किन विश्वास के साथ में आप मैदान में? देखिए, चुनावी बिल्कुल बच चुका है और भाजपा की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन और जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं पूरी ताकत से एकजुट हुई है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बचा है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है और जो चंदा और डर की राजनीति पूरे देश में चल रही है उसको ख़त्म करने का चुनाव है। महंगाई ज़बरदस्त है, इसमें बताने की बात नहीं है। आज जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि बीजेपी से हम लोग बहुत त्रस्त हैं और इसलिए आपको वापस आना पड़ेगा, पर आप लोग हमारे लिए क्या करने वाले हैं उसमें मुख्यतः मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से 1,00,000 रुपये हर साल हर महिलाओं को देने की बात करी गई है, जो गारंटी दी गई है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करी गई है, उनका कर्जा माफ़ करने की बात करी गई है, युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद रोज़गार देने की बात करी गई है, तो ऐसी बहुत सारे जो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का तैयार हुआ है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया और सबकी बात करी गई है। और निश्चित तौर पर हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें लोगों की तरफ से मिल रहा है। कई सीटों में जैसे मतभेद चल रहा है, अगर हम चंबल की बात करें तो जीतू पटवारी जो सिंघाड़ जी के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, किस तरह से सीट पे समन्वय होगा और उस पर किस तरह की तैयारियां रहेंगी, किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे और कैसा चेहरा रहेगा? देखिए, मैं नहीं समझता, ये तो एक आपस में चर्चा हो सकती है कि कोई किसी का नाम ले सकता है, कोई किसी का नाम ले सकता है, पर ये बात साफ है कि हम लोग एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जो अगर वैचारिक दिक्कत आ रही थी या फिर मतभेद आ रहे थे उनको भी दूर कर लिया गया और मैं मानता हूँ कि 2-3 दिन में जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी टिकट का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। बंसल न्यूज़ के लिए रतलाम से दिलजीत सिंह मार।